नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का प्रसंग माँ दुर्गा की एक सत्य घटना के बारे में है। माँ दुर्गा की यह सत्य घटना लगभग 600 वर्ष पुरानी है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजा वत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां के लोग साहित्य और कला से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है कि विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हँसौड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती। इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे कि यह बालक बड़ा अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता कि पता नहीं मैं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ या नहीं, परंतु सोते हुए लोगों को जरूर हंसा सकता हूँ। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगते। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते कि तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई, हमें तो लगता है यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसको देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति को देखकर मुग्ध रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के चार मुख थे और आठ भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। यह देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकलकर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, फिर हंसते हुए बोला कि क्षमा करें माँ, एक बात याद आ गई इसलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात, बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया कि माँ, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है
तो मुझे बड़ी मुसीबत हो जाती है। आपके तो चार चार मुख हैं और भुजाएं भी आठ हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली कि हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं समझ गई हूँ कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्यवृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित रह गई और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा। यही रामलिंगम बाद में तेनाली राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तेनाली राम राजा कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था। तेनाली राम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनाली राम कहा जाता था। तेनाली राम की बुद्धिमता के चर्चे दूर दूर तक थे और यह राजा कृष्णदेव राय का मुख्य सलाहकार भी था। इसकी सलाह और बुद्धिमता के कारण ही राज्य आक्रमणकारियों से तो सुरक्षित रहता ही था, साथ ही राज्य में इसके कारण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला था। यह विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।